12th के बाद BCA करके IT फील्ड में करियर बनाया जाए या फिर BBA करके करियर इन मैनेजमेंट, आखिर इन दोनों कोर्सेज में किसमें ज्यादा स्कोप है इन टर्म्स ऑफ जॉब एंड ग्रोथ? BBA और BCA जैसे कोर्सेज करने के बाद आप किन जॉब प्रोफाइल्स में जा सकते हो और कैसे रहते हैं सैलरी पैकेजेस? आखिर क्या डिफरेंसेस है BCA और BBA जैसे कोर्स में? इनके कौन से हैं टॉप कॉलेजेस और टॉप एंट्रेंस एग्जामिनेशन? अगर आप सभी के क्वेश्चंस हैं तो BCA फंडस बाय सनस्टोन का आज का ये वीडियो आप सभी के लिए है, क्योंकि आज हम डिटेल में कवर करने वाले हैं BCA वर्सेस BBA फुल कंपैरिजन। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित, मैं हूं कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, मुझे 10 से ज्यादा सालों का एक्सपीरियंस टॉप एमएससी में काम करने का, तो अपनी इस एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आप सभी को अच्छे से गाइड करने की कोशिश करूंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बने किसी तरीके से स्टार्ट करते हैं आज के इस बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो को। To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. 12th पास करने के बाद अक्सर स्कूल में कंफ्यूजन रहता है कि आगे फर्दर किस यूजी कोर्स में एडमिशन लिया जाए, किस में आगे करियर बनाया जाए। इसमें से मेजरली दो ऑप्शंस आपके सामने रहते हैं, एक होता है करियर इन आईटी फील्ड और दूसरा होता है करियर इन मैनेजमेंट। और जो मैक्सिमम स्टूडेंट जो नॉन साइंस बैकग्राउंड से आ रहे होते हैं उनके पास इसमें BCA एक ऑप्शन होता है आईटी फील्ड के लिए और BBA एक ऑप्शन होता है मैनेजमेंट फील्ड के लिए। तो आइए डिटेल में जानते हैं कि फैक्ट वाइज क्या डिफरेंसेस है इन दोनों कोर्सेज में और आपको कौन सा कोर्स ऑप्ट करना चाहिए, कौन सा कोर्स आपके लिए रेलेवेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों कोर्सेज की बेसिक इंफॉर्मेशन की। BCA यानी कि बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, ये आईटी फील्ड का एक बेसिक कोर्स है, और BBA यानी कि बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये मैनेजमेंट फील्ड का एक बेसिक यूजी कोर्स है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा ये दोनों ही कोर्सेज 3 साल के हैं, यानी कि इसमें टोटल 6 सेमेस्टर्स होते हैं इन दोनों कोर्सेज में। और इसके साथ साथ यहाँ पे आप इन कोर्सेज में BBA ऑनर्स या फिर BCA ऑनर्स भी कर सकते हो। ये दोनों कोर्सेज 4 साल के होते हैं जिसमें आपको रिसर्च से रिलेटेड चीजें भी पढ़ाई जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पे इंटीग्रेटेड कोर्सेज भी होते हैं, जैसे BCA के साथ आप BCA प्लस MCA 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स कर सकते हो, इसके अलावा BCA प्लस MBA भी कर सकते हो। BBA में आपको BBA प्लस MBA इंटीग्रेटेड कोर्सेज देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इन दोनों ही कोर्सेज में डिफरेंट स्पेशलाइजेशन भी आपको ऑफर होती है। और अगर आप मोड्स की बात करें किन किन मोड्स में आप इन कोर्सेज को कर सकते हो, तो दोनों कोर्सेज BCA BBA रेगुलर मोड, ऑनलाइन मोड, ओपन मोड से डिफरेंट कॉलेजेस से किए जा सकते हैं। अब सेकंड नंबर पे बात करते हैं कि कैसा रहता है इन दोनों कोर्सेज का करिकुलम सिलेबस, यानी कि किस तरीके की चीजें यहाँ पे आपको पढ़ाई जाती है। तो BCA यहाँ पे आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन फील्ड से रिलेटेड चीजें पढ़ाई जाती है, जिसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कंसेप्ट हो सकते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हो सकती है, यानी कि आपको IT फील्ड में अगर करियर बनाना है तो ये आपके लिए एक बेस्ट चॉइस है। इसमें डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स होंगे वो रहेंगे जैसे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क्स, इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम्स, वेब टेक्नोलॉजीज के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होगी। इसके अलावा जब आप लेटर सेमेस्टर्स में आएंगे यहाँ पे आपको कुछ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, इसके अलावा आपको प्रोजेक्ट्स भी बनाने पड़ सकते हैं डिफरेंट सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। अब BBA की अगर हम बात करें तो ये एक मैनेजमेंट फील्ड का कोर्स है, यहाँ पे आपको बेसिक से सिखाया जाता है कैसे बिजनेस को मैनेज करना है, कैसे उसे एडमिनिस्ट्रेट करना है, यानी कि आसान भाषा में समझे तो आपको यहाँ पे एंटरप्रेन्योरियल और मैनेजरियल स्किल्स सिखाए जाते हैं फॉर वेरियस डोमेन्स, यानी कि आप डिफरेंट सेक्टर्स में जब आप फ्यूचर में काम करते हो तो आपके पास जो रेलेवेंट मैनेजरियल और बिजनेस स्किल्स होने चाहिए उसकी नॉलेज आपको BBA कोर्स में स्टार्टिंग से दी जाती है। और यहाँ पे भी BBA सेकंड ईयर थर्ड ईयर में आपको कुछ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होते हैं, केस स्टडीज करवाई जाती है, थीसिस करवाए जाते हैं, प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, बट ये आपके मैनेजमेंट फील्ड से रिलेटेड होंगे। तीसरी बात करते हैं स्पेशलाइजेशन की। ये जो जनरल कोर्सेज है BCA और BBA, इनमें फर्दर आपको डिफरेंट स्पेशलाइजेशन भी ऑफर की जाती है, यानी कि आप जिन सेगमेंट्स में अपना करियर बनाना चाहते हो। तो BCA की कोर स्पेशलाइजेशन की अगर हम बात करें तो इसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डेटाबेस मैनेजमेंट, कंप्यूटर नेटवर्क्स, वेब डेवलपमेंट जैसी कोर स्पेशलाइजेशन है। लेकिन न्यू एज स्पेशलाइजेशन की अगर हम बात करें तो उसमें फर्दर आती है जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, डेटा साइंस हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया। तो इन न्यू एज स्पेशलाइजेशन में भी आप करियर बना सकते हैं। BBA में भी ऐसे ही आपको स्पेशलाइजेशन डिफरेंट देखने को मिलती है, जिसमें मार्केटिंग हो गया, फाइनेंस हो गया, HR हो गया, ऑपरेशंस हो गया, ऐसी कोर स्पेशलाइजेशन आपको देखने को मिलेगी। और न्यू एज स्पेशलाइजेशन इसमें भी आ गई है जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग हो गया, बिजनेस एनालिटिक्स हो गया, ई कॉमर्स हो गया। तो ये BBA की न्यू एज स्पेशलाइजेशन है जिनमें आप अच्छा करियर बना सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि मैंने बात की थी इंटीग्रेटेड कोर्सेज की, तो BCA प्लस MCA, BCA प्लस MBA, ऐसे ही BBA प्लस MBA, BBA प्लस LLB, ऐसे इंटीग्रेटेड कोर्सेज भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एडमिशन की BCA और BBA जैसे कोर्सेज में। यहाँ पे मैं आपको बताऊँ
बताऊंगा जनरल क्राइटेरिया यहाँ पे एलिजिबिलिटी का इन दोनों कोर्सेज का, बहुत ही सिंपल है। आपने 12th पास की होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से विद मिनिमम पासिंग परसेंटेज क्राइटेरिया। हालांकि ये कंडीशन कॉलेज टू कॉलेज वेरी कर सकती है। बीसीए जैसे कोर्सेज के लिए जहाँ पे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो सकते हैं जैसे कि कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, मैथमेटिक्स हो गया, ये आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो सकते हैं कि किन कॉलेजेस में आपके पास मैथ्स मैंडेटरी होना चाहिए या फिर सीएस मैंडेटरी होना चाहिए। ऐसे बीबीए में भी कई कॉलेजेस में सब्जेक्ट्स कुछ मैंडेटरी हो सकते हैं जैसे कि बिजनेस मैथ्स, इंग्लिश, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट या मैंडेटरी सब्जेक्ट रखे जा सकते हैं। तो आप कॉलेज वाइज क्राइटेरिया को चेक कर सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है कि 12th आपने मिनिमम परसेंटेज के साथ पास किया होना चाहिए। अब एडमिशन प्रोसेस के लिए जो टॉप लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उन्हें आप नोट कर सकते हैं नेशनल लेवल पर, जैसे कि CUT UG हो गया, इसके बेसिस पे आप इन दोनों कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। AIMA UGUT हो गया। स्टेट लेवल के लिए आप MSCET MCOSCET के बेसिस पे कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। यूनिवर्सिटी लेवल पर IPCET हो गया, BUMAT हो गया। कॉलेज लेवल पर SET हो गया, KIT EE हो गया, इनके बेसिस पे आप इन कोर्सेज पे एडमिशन ले सकते हो। अब बात करते हैं कि कौन से हैं वो टॉप कॉलेजेस जो ऑफर करते हैं BCA कोर्स और BBA कोर्स। तो सबसे पहले बात करते हैं BCA कोर्स की, इसमें टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस, टॉप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में आते हैं आपके पास गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, दिल्ली अहिल्या विश्वविद्यालय, इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ अलाहाबाद। इसके अलावा टॉप प्राइवेट कॉलेजेस में BCA कोर्स के लिए आते हैं क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर, सिम्बायोसिस पुणे हो गया, इसके अलावा लोयला कॉलेज जो कि चेन्नई में है। अब बीबीए की अगर हम बात करें तो इसमें टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस में आते हैं IIM इंदौर, बोध गया, रांची, जम्मू एंड रोहतक, जहां पे आपको इंटीग्रेटेड बीबीए कोर्स के भी ऑप्शन मिलते हैं जिसके लिए आपको जिपमैट और IPMAT जैसे एग्जाम्स को क्रैक करना होता है। इसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी हो गया। अब प्राइवेट टॉप कॉलेजेस बीबीए कोर्स करने के लिए इसमें आ गया NMIMS, इसके अलावा ISB हैदराबाद, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, ये कुछ पॉपुलर कॉलेजेस हैं प्राइवेट में जहां से आप बीबीए कर सकते हैं। अब अगर आप रेगुलर ये दो कोर्सेज नहीं कर सकते हैं तो ऑनलाइन और ओपन मोड से अगर आप करना चाहते हैं तो इसके लिए टॉप ऑप्शंस आपके पास है इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, इसके अलावा लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, ये सभी ऑनलाइन और ओपन कोर्सेज ऑफर करते हैं बीबीए और बीसीए के लिए। अब बात करते हैं ट्यूशन फीस की, यानी कि अगर आप डिफरेंट मोड से बीसीए करते हो या डिफरेंट मोड से बीबीए करते हो तो आपको कितनी फीस देनी होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं रेगुलर बीसीए की गवर्नमेंट कॉलेजेस से। तो अगर गवर्नमेंट कॉलेजेस से रेगुलर बीसीए करते हो तो यहाँ पे आपको जो फीस देनी होती है वो देनी होगी लगभग 1-2 लाख रुपए के करीब। ओपन या ऑनलाइन बोर्ड से कर रहे हो तो 50,000-1 लाख रुपए के करीब। अगर आप इंटीग्रेटेड कर रहे हो गवर्नमेंट कॉलेजेस से बीसीए कोर्स तो इसमें आपको देनी होगी लगभग 3-5 लाख रुपए के करीब फीस। प्राइवेट कॉलेजेस से अगर आप रेगुलर बीसीए कर रहे हो तो यहाँ पे आपको फीस देनी होगी लगभग 3-6 लाख रुपए के करीब। ऑनलाइन ओपन मोड से कर रहे हो तो लगभग 1-2 लाख रुपए के करीब, और अगर इंटीग्रेटेड कर रहे हो तो 5-8 लाख रुपए के करीब। अब बीबीए कोर्स की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेजेस से अगर आप बीबीए कर रहे हो रेगुलर में तो यहाँ पे आपको फीस देनी पड़ेगी लगभग 1-3 लाख रुपए के करीब। ऑनलाइन ओपन मोड से कर रहे हो तो 1-2 लाख रुपए के करीब, और इंटीग्रेटेड कर रहे हो तो 3-6 लाख रुपए के करीब। और प्राइवेट से अगर आप कर रहे हो तो यहाँ पे आपको देनी होगी फीस 4-7 लाख रुपए के करीब। ओपन या ऑनलाइन मोड 2-3 लाख रुपए के करीब। इंटीग्रेटेड कर रहे हो तो 5-10 लाख रुपए तक आपकी फीस जा सकती है। अब बात करते हैं एवरेज प्लेसमेंट एंड पैकेजेस की। तो अगर आप एक स्किल्ड बीसी या बीबीए ग्रेजुएट हो और अपने स्किल्स को आपने अच्छे से होन किया हुआ है तो यहाँ पे आपका जो स्टार्टिंग प्लेसमेंट पैकेज है ये 3-5 लाख रुपए तक जा सकता है। और अगर आपके स्किल्स बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं अपनी मैनेजमेंट फील्ड में या टेक्निकल फील्ड में तो आपका पैकेज 8-10 लाख रुपए तक जा सकता है आपका स्टार्टिंग पैकेज भी। तो टोटली डिपेंड करता है आपके स्किल्स पे। डिफरेंट जॉब प्रोफाइल जिसमें आप जाओगे इन कोर्सेज करने के बाद, तो बीसी की अगर हम बात करें तो एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर, वेब डेवलपर हो गया, सिस्टम एनालिस्ट, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, इन जॉब प्रोफाइल्स में आप जा सकते हैं। बीबीए करने के बाद आप बन सकते हो फाइनेंशियल एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, सेल्स एग्जीक्यूटिव, इसके अलावा फाइनेंशियल एनालिस्ट, ऐसे प्रोफाइल्स में आप जा सकते हैं। अब इसके अलावा फर्दर यहाँ पे आप इन कोर्सेज के बाद स्टडीज भी कर सकते हो, यानी कि बीसी के बाद एमसी का आपके पास ऑप्शन रहता है, एमबीए आप कर सकते हो, इसके अलावा एमसीएम, एमआईएम ऐसे कोर्सेज कर सकते हो। बीबीए करने के बाद आप एमबीए कर सकते हो, एमएस कर सकते हो, एग्जीक्यूटिव एमबीए कर सकते हो। तो ये ऑप्शंस आपके पास रहते हैं फर्दर स्टडीज के। अगर आप अच्छे पैकेजेस, अच्छे रोल्स पे फर्दर जाना चाहते हो तो आप इन पीजी कोर्सेज को कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थे वो 10 लेवल के डिफरेंसेस जिसमें हमने बीसी और बीबीए जैसे कोर्सेज को डिफरेंशिएट किया। तो आप इनको अच्छे से समझ सकते हैं और इनके बेसिस पे डिसीजन ले सकते हैं कि आपके लिए कौन सा कोर्स रेलेवेंट है। तो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम जल्द लेके आएंगे बीसी फंडामेंटल स्टूडेंट पे एक और ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड बिलीव इन यू।